छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में अध्याय 8 धर्म निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि धर्म निरपेक्षता मतलब किसी विशेष धर्म का ना होना। तो ये धर्म निरपेक्षता वाला जो भावना है, जो शब्द है, वो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत में भी कोई एक विशेष धर्म को नहीं माना जाता है, लेकिन समय समय पर धार्मिक विवाद होते हैं और सभी राष्ट्र अपने को धर्म निरपेक्ष होने की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। जितने दल होते हैं वो भी कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। तो धर्म निरपेक्ष एक सभी जगह की एक बहुत ही पेचीदा एक समस्या है, लेकिन तो भी हम धर्म निरपेक्षता का पालन करते हैं संविधान अपने भारत में, क्योंकि विविध पंथ और संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो इस पाठ में हम धर्म निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। क्या कोई व्यक्ति धर्म करता है तो क्या उससे संबंध है धर्म निरपेक्षता का? ये धर्म निरपेक्षता क्या पक्षपात करता है? क्या इससे जो अल्पसंख्यक हैं उनका तुष्टीकरण होता है? क्या धर्म निरपेक्षता एक धर्म विरोधी है? जो धर्म का पालन करते हैं तो क्या उनको धर्म करने से रोकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी है। मैं अपने धर्म को बढ़ाने का, अपने धर्म का पालन करने का भी अधिकार है। बहुत पहले हर राज्य धार्मिक क्रियाकलापों पर ही आधारित था और धर्म मध्य युग तक प्रत्येक राज्य में धर्म पूरी तरह हावी था। आपने पोप के बारे में सुना था इस प्रकार। तो हम अब आज पढ़ेंगे धर्म निरपेक्षता क्या है। तो धर्म निरपेक्षता की कोई वैसे परिभाषा तो नहीं है, लेकिन ये वाटर हाउस जो विद्वान, उन्होंने बताया कि एक ऐसी विचारधारा है धर्म निरपेक्षता जो कि जीवन और आचरण का एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करती है जो मत पंथ या धर्म के विरुद्ध होता है। मतलब इसमें कोई विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। और धर्म निरपेक्षता मतलब कोई भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देना, मतलब धर्म के साथ संबंधों का ये अभाव होना चाहिए। ये क्या है? धर्म निरपेक्षता। तो विभिन्न विद्वानों ने ये देखिए ये ब्रिटेनिका का विश्वकोश में धर्म निरपेक्षता का अर्थ बताया गया है। तो ये धर्म निरपेक्षता का जो शब्द का प्रयोग है वो आधुनिक काल में यूरोप से प्रारंभ हुआ। पहले सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे राज्यों में। मध्य युग तक धर्म हावी रहा, लेकिन बाद में इस धर्म निरपेक्षता जो शब्द आया, शब्दावली आरंभ हुई, वो आधुनिक काल में यूरोप से प्रारंभ हुई। और वहां बताया गया कि स्वतंत्र चिंतन पर बहुत महत्व दिया गया और दुनिया के अनेक देश हैं ऐसे वातावरण को जिसमें धर्म निरपेक्षता अपनी मतलब धर्म निरपेक्षता हावी हो गया है, लेकिन उसको हावी रखने के लिए भी बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, क्योंकि एक धार्मिक समुदाय को अन्य समुदायों पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म निरपेक्षता न केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व से बल्कि धर्म के आंतरिक वर्चस्व से भी निपटना होता है। मतलब हमें अपने अंदर की धर्म की भावनाओं को और अपने सार्वजनिक वातावरण में जो धार्मिक है उसके अंदर हमें थोड़ा सा विरोध उत्पन्न करना पड़ता है। एक जो धर्म निरपेक्ष राज्य होता है उसमें समाज के लिए उसको मतलब धर्म निरपेक्षता समाज उसको लाना है समाज में, अपने राज्य में, तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी धर्म हैं हमारे भारत में या अन्य देशों में, तो उनको मानने वालों के बीच कभी भेदभाव ना हो। और एक धर्म जो मानता है कोई भी धार्मिक समुदाय के भीतर और वर्ग और सभी को अपना अपना धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हो। नास्तिक आप समझते ही हो,
जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नास्तिक। तो उनको भी जो जो मतलब कहना चाहिए उनके कोई धर्म नहीं है, उनको भी अपना समाज में उन्नति करने के उतने ही अधिकार हैं जितने कि किसी भी धर्म को मानने वालों को है। तो हमारे समाज में नास्तिक भी रहते हैं और आस्तिक भी रहते हैं। अगला पॉइंट है कि धर्म को कभी भी एक सार्वजनिक वाद विवाद का विषय न बनाया जाए और न ही उसमें राजनीति प्रवेश होनी चाहिए, तभी वो धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ निकलेगा। धर्मनिरपेक्षता धर्मों के अंदर आजादी और विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देना, मतलब सभी धर्म क्या हैं, समान हैं। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता हमारे अंदर के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है और सभी का धर्म अलग-अलग होता है। कोई आत्मा के क्षेत्र में अध्ययन करता है, कोई विशेष अपने जो अनुयायी हैं गुरु उनके बारे में अध्ययन करता है। तो धर्म होता है उसका जो विशेष क्षेत्र होता है वो धर्म होता है। और भारत में समाज में धर्म का एक विशेष स्थान है, लेकिन धर्म निरपेक्षता भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। तो हमारे यहाँ सभी धर्मों को बकायदा महत्व दिया जाता है। भारत में देखिए जैसे हिंदू मुस्लिम ये सारे धर्म के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो कहीं पर भी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी है। सभी धर्म समान हैं और सभी नागरिक स्वतंत्र हैं कि वो अपने अपने धर्म को माने, अपने धार्मिक क्रियाकलाप धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का उन्हें क्या है, अधिकार है। तो भारत में कोई भी धर्म बंधा नहीं हुआ है किसी भी नागरिक से, सभी धर्म शामिल हैं। और प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति ने न केवल देश में उत्पन्न बल्कि बाहरी देशों से आए धर्मों को भी क्या किया, उनको भी महत्व दिया। और जो पहले जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो मध्य युग में चलते थे वो सभी को मतलब मानने का अधिकार दिया। और हमारे जो प्रमुख धर्म गुरु थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, तुकाराम, मीराबाई, इन सभी ने अपने धर्मों का क्या किया, पालन किया और भारत की संयुक्त संस्कृति को ऊंचाई तक पहुंचाया। जबकि उसी के आधार पर मध्य युग में राजनीति क्षेत्र व प्रशासनिक क्षेत्र में भी धर्म की क्या हो गई, पहुंच हो गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इतिहास है जो हमारा आप जो देख रहे हो इतिहास है, इसमें धर्म प्रभावी भी रहा, लेकिन जैसे ही हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे भारत देश में धर्म निरपेक्षता लागू हो गई और सभी को अपना अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई। और धार्मिक आधार पर भेदभाव, राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और धार्मिक आधार पर घृणा न करना, ये सब चीजों पर घृणा न करने का मतलब शामिल किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धर्म निरपेक्षता है ये वास्तव में क्या कहना चाहिए, ये एक अंतर वो है मतलब अंतर धर्म आप शामिल कर सकते हो और सभी इसमें क्या है, स्वतंत्र हैं। अभी हमने पढ़ा था धर्म निरपेक्षता का सही अर्थ क्या है, अब हम पढ़ेंगे धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ। धर्म निरपेक्ष राज्य मतलब विश्व में कई देश ऐसे हैं जहाँ धर्म निरपेक्ष राज्य ही हैं, फिर भी कुछ एक विशेष दर्जा उनको दे दिया जाता है कि हम सब लोग मिलकर काम करें तो ये धार्मिक भेदभाव क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता से व्यक्तिगत उदाहरण भी
विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। आपने देखा पुराने समय में सांप्रदायिक बहुत दंगे हुए, हिंदू मुसलमान दंगे हुए, तो हम उनके बीच की कभी कभी कहानियाँ भी पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि शिक्षा धर्म निरपेक्षता का पालन करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिक्षा। हमें शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने से हम धार्मिक जो टकराव है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो धर्म निरपेक्षता का जो शब्द सबसे पहले उपयोग में आया वो का शब्द 19वीं शताब्दी के मध्य में जॉर्ज जेकब होलियाक एक विद्वान द्वारा किया गया था और उसने अर्थ बताया कि धर्म निरपेक्षता भौतिक विषयों को धर्म से अलग रखने पर बल देती है। किसी भी धर्म निरपेक्ष राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। ये हमने उसके धर्म निरपेक्षता को आधार मान कर दी गई है कि धर्म निरपेक्षता क्या है, तो राज्य में इसका क्या महत्व है। यह धर्म तंत्र नहीं है। धर्म निरपेक्ष जो राज्य होता है उसमें धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर उसकी स्थापना नहीं कर सकते और धर्म को हमें राजनीति से पृथक करना है। बहुत पूर्व में आपने देखा होगा कि समाज चार वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण वैश्य। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण लोग होते थे या जो उच्च जाति के थे, धर्म के होते थे, राजनीति में उनको उनका विशिष्ट स्थान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंग्लैंड के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ एक सरकारी चर्च है जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है और ब्रिटेन के कुछ बिशप ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन के भी क्या हैं, सदस्य हैं। और जो इंग्लैंड की वहाँ एक पद है महारानी का, चर्च ऑफ इंग्लैंड की मुखिया है। फिर भी इंग्लैंड और अमेरिका को धर्म निरपेक्ष राज्य, मतलब वहाँ कुछ धर्म है लेकिन तो भी वहाँ धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। तो जो धर्म है, अगला पॉइंट, वो धर्म के विरुद्ध नहीं होता बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब हमारा मतलब धर्म का यही सही अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो धर्म है उसकी स्वतंत्रता उसको मिलती है। धर्म निरपेक्ष राज्य प्रत्येक धार्मिक समुदाय के सदस्यों को एक स्वतंत्रता देता है धार्मिक। यह ना तो धार्मिक होती है ना अधार्मिक होती है या धर्म विरोधी, बल्कि यह धार्मिक सिद्धांतों के मत से स्वयं को पूर्णतः क्या करती है, अलग। मतलब धर्म केवल अपने अंदर होना चाहिए और जो धर्म निरपेक्ष राज्य है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है और जिससे धर्म निरपेक्ष राज्य में स्वतंत्रता, समानता, शांति ये सभी स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धर्म निरपेक्ष है वो हम तो ऐसा माना गया कि ये एक पश्चिमी संकल्पना जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है और एक वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है भारतीय राज्य वहाँ। और ये दोनों जगह धर्म निरपेक्षता का विशेष महत्व है। धन्यवाद।